के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बिहार में होने वाली जो नई शिक्षक भर्ती है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें प्राथमिक के भी पद शामिल नहीं है, लेकिन प्राथमिक के अगर सीटें बचती हैं तो यहाँ पर जो पीआरटी के पद हैं उसे यहाँ पर बीपीएससी शामिल कर सकती है, सरकार शामिल यहाँ पर कर सकती है। फिलहाल आप स्क्रीन पर आर्टिकल देखिएगा, यहाँ पर देखिए बताया गया है साफ साफ 20 अक्टूबर 2023 की अपडेट आई है दैनिक भास्कर समाचार पत्र के माध्यम से। कक्षा 6 से 12 तक 1,10,000 शिक्षकों की वैकेंसी नवंबर के पहले सप्ताह में यहाँ पर जारी की जाएगी। इसका मतलब साफ है, जो भी पीआरटी में सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप एक सीट यहाँ पर पक्की कर सकें। और इसके लिए आपको पढ़ना क्या होगा, जो एससीईआरटी की नोट्स हैं, एनसीईआरटी की नोट्स हैं कक्षा 6 से 12 तक की सभी किताबें, उनको पढ़ना होगा। और इसके जो नोट्स हैं हमने बनवा दिया है, आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, चेक करना है, वहाँ पर एससीईआरटी जो बुक्स हैं उनको जो निचोड़ पीडीएफ उसे बाई करने का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से आराम से बाई कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, जहाँ पर एसएससी टीचर प्लस साइंस एंड मैथ्स टीचर प्लस हिंदी लैंग्वेज टीचर के जो नोट्स हैं उपलब्ध हैं, आप इसको 199 में आराम से यहाँ पर बाई कर सकते हैं। अभी से तैयारी करिए क्योंकि इसका एग्जाम जो होगा वो दिसंबर में कंडक्ट करा लिया जाएगा, जनवरी में रिजल्ट और फरवरी में इसकी ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि बिहार सरकार बहुत जल्दी से इन सभी भर्तियों को यहाँ पर कम्प्लीट करने वाली है। यहाँ पर देखिए लिखा गया, आवेदन के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा, अभी अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं है, लेकिन अदर स्टेट वालों को मौका यहाँ पर जरूर दिया जाएगा और उम्मीद पूरी है कि अपेयरिंग वालों को भी मौका यहाँ पर दे दिया जा सकता है। पहले चरण में कहा गया है कक्षा 11 और 12 में यानी पीजीटी में 33,501 पद खाली रह गए हैं, बाकी टीजीटी का जब तक अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं अभी तक देखिए रिजल्ट नहीं आ पाया है, तो टीजीटी का रिजल्ट आज रात तक आने की उम्मीद है, उसमें जो भी सीटें रिक्त रह जाएंगी उसमें इसमें जोड़ दिया जाएगा और इसके बाद जो पीआरटी की सीटें अगर कुछ बचती हैं तो उनको भी यहां पर इस भर्ती में ऐड ऑन किया जा सकता है। फिर देखिए यहां पर कहा गया है माध्यमिक में 6,000 पद अभी जो है खाली बच रहे हैं, इसके अलावा ये परिणाम यहाँ पर जारी हो चुके हैं, सारी बातें यहाँ पर बता दी गई हैं। कुल मिलाकर के जो वैकेंसी है जूनियर शिक्षक भर्ती की वो 31,000 पदों पर यहाँ पर होने वाली है, स्वीकृत हो चुकी है, तो उसकी भर्ती यहाँ पर आ रही है। जो भी साथी अभी पीआरटी वाली भर्ती से चूक गए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो सभी साथी अच्छे तरीके से तैयारी करें ताकि जो है आप यहाँ पर एक सीट पक्की कर सकें। और सिलेबस वगैरह क्या रहेगा ये सब हमने पिछले वीडियो में बता दिया, बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर के उसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और महिलाएं जो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे, सीटेट में 82 नंबर अगर हैं, जो भी अदर स्टेट की महिलाएं हैं वो सब यहां पर क्वालिफाई हैं, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी, क्योंकि पीआरटी में जो डीबी करवा रही हैं जो 82 प्लस नंबर लेकर के आई हैं वो सभी महिलाएं यहां पर सेलेक्ट हो रही हैं, किसी को बाहर यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। बाकी अदर स्टेट के जितने भी मेल कैंडिडेट हैं या फिर बिहार के जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर 90 अंक सीटेट के पेपर 2 में चाहिए। अगर सीटेट आपका अभी क्वालिफाइड नहीं है, नंबर कम है, तो अपेयरिंग वालों को मौका दिया जाएगा, तो आप यहाँ पर फॉर्म अपना यहाँ पर भर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए, जो भी साथी अभी इस भर्ती से चूक गए हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है, शायद इसके बाद बिहार में कोई भी एक जो शिक्षक भर्ती है जल्द देखने को अब ना मिले, तो अच्छा मौका है, अच्छे से आप तैयारी करिए। बीएड वाले भी यहाँ पर जो है अब लेवल 2 मतलब 6th to 8th के लिए यहाँ पर योग्य हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किया है या डीएलएड करने के बाद ग्रेजुएशन कर लिया है और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हैं, वो सब लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो अच्छे तरीके से आपको तैयारी करना है, अभी से आपको जुड़ जाना है ताकि आप एक सीट यहाँ पर पक्की कर सकें। और कट ऑफ आप देख ही चुके हैं, जिस तरीके से कट ऑफ प्रेडिक्ट की जा रही थी उससे 3-4 नंबर कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा गई है, तो जो आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती है उसमें तो आपकी और कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा जाएगी, इस बात में जो है बिल्कुल सच्चाई के साथ में इस बात को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, नोट्स आपको परचेज कर लेने, इस वीडियो को सभी जगह शेयर करिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, तब तक